मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड कलर का जो बटन है इसको क्लिक कीजिए। इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि तभी आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। फ्रेंड, ये मेरे घर के प्लांट हैं। गाइस, मॉर्निंग हो चुकी है और कड़ाके की धूप निकली हुई है, और मेरे घर के सामने इतनी हरियाली है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग टाइम में। बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे घर के सामने। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और आज की तारीख है 23, और आज का दिन है सैटरडे। और गाइस, मैं अब 10:30 बजे से आज ब्लॉग चालू कर रही हूँ। मॉर्निंग के 10:30 बज रहे हैं, और गाइस मेरा जो है ना ब्रेकफास्ट हो चुका है और लंच बनकर मेरे हस्बैंड ले जा चुके हैं टिफ़िन। तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने घर की रूटीन को चालू करने, मतलब घर का काम करने, क्योंकि वो काम तो हर औरत को ही करना पड़ता है, डस्टिंग, मॉपिंग और जो है ना जो छोटे मोटे किचन के काम होते हैं, तो चाहे वो औरत ही करे या जो है ना हाउस की मेड करे, करना तो सभी को पड़ता है। तो मैं भी करने जा रही हूँ। तो गाइस जो है ना, अभी मैं डस्टिंग मॉपिंग हमको करना है, और जा कर के मैं इससे पहले जो है ना अपने जो कल मतलब 22 का जो ब्लॉग है उसको भी मुझे एडिट करना है और शेड्यूल पे लगाना है। तो मैं अभी जो है ना एक घंटे के लिए जो है ना पहले मैं अपने ब्लॉग को एडिट करूँगी, और उसके बाद ही घर का काम चालू करूँगी। और आज मुझे दिन में टाइम नहीं मिलना है, क्योंकि आज है ना मुझे और भी कोई काम है जिसके लिए मुझे अपनी शॉप पे भी जाना है। तो जो है ना मॉर्निंग के शेड्यूल के बाद तो मैं सीधे इवनिंग में मिलूँगी, और यही सोच रहे होंगे कि मैंने मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं बताया, क्या क्या मैंने आज बनाया था। तो आज कोई मैंने खास नहीं बनाया था, वही सब्जी पराठा ही बना था, सोया सेम की जो सब्जी बनी थी और पराठा बना था। तो मैंने कहा क्या उसमें जो है ना नॉर्मल चीज़ है, उसको क्या दिखाना। तो मैं जो है ना आपको सबको इवनिंग मतलब नाइट का जो डिनर होगा वो मैं दिखाऊंगी, और अगर मॉर्निंग और नाइट मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर दिखाओ तो जो है ना बहुत लंबा वीडियो खिंच जाता है और फिर उसको एडिट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि अब सिर्फ मैं जो है ना डिनर का ही जो है ना आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, और मॉर्निंग में जो मॉर्निंग का काम होता वो उसका जो है ना मैं वीडियो शूट करूंगी। और गाइस जो है ना ब्रेकफास्ट जब कभी कोई खास बनेगा तो ही मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी, नहीं तो मेरे घर में नॉर्मली बनता है, क्योंकि मुझे लंच भी देना होता है। तो मैं मॉर्निंग में जो है ना, अब मेरे हस्बैंड पोहा और ये सब नहीं खाते हैं मॉर्निंग में, उन्हें जो है ना पराठा सब्जी या पूरी सब्जी या कचौड़ी इस टाइप की चीज़ें खानी होती है, क्योंकि उनको 3 बजे के करीब में ही लंच करने का टाइम मिलता है, और उससे पहले वो लंच नहीं कर पाते हैं। तो तब तक अगर हम मैं जो है ना वो पोहा खाएंगे तो जाहिर सी बात है भूखे हो जाएंगे, क्योंकि उनका 9 बजे जो है ना ब्रेकफास्ट हो जाता है, और 9 बजे से 3 बजे तक काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाता है। तो इसकी वजह से वो जो है ना सुबह जो है ना मतलब अच्छा खासा नाश्ता करते हैं कि वो जो पेट भी भरा रहे, और 3 बजे के बाद ही उनको लंच करने को मिलता है, तो वो लंच 3 बजे के बाद ही करते हैं, क्योंकि शॉप में मौका भी नहीं मिलता है और इतने काम होते हैं कि जो है ना इंसान करते करते टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। कभी कदार तो मैं खुद याद दिलाती हूँ कि जो है ना जब मैं उनके साथ थी तो मतलब याद दिलाती थी कि यार लंच भी करना है, तब उनको याद आता था। नहीं तो टिफ़िन अगर दे दिया है तो वह 4 बजे वो खुल करके वो खाएं, तो इस टाइप से उनका लंच चलता है। तो गाइस, आज जो है ना आप लोग बताइए कि आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत स्लोली सब्सक्राइबर बनने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी नया आपको चाहिए होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कीजिए, और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, अगर क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो जो है ना शायद जो है ना मैं बहुत ही स्लोली ही बन पाऊँ, मतलब ब्लॉग मेरा बन पाए। और ब्लॉग बनाने का मज़ा तभी होता है जब आप जैसे प्यारे मित्र लोग जो है ना हमें कमेंट्स करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हो और हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो हम जैसे जो है ना जो न्यू बिगनर
जो है ना चैनल खोलते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है उन्हें अच्छा सा अच्छा ब्लॉग बनाने का, मतलब कि एक कहते हैं ना कि दिल से एक खुशी मिलती है और वो एक्साइटमेंट में जो है ना ब्लॉग बनाते हैं और उनको जो वो ब्लॉग में वो एक्साइटमेंट दिखता है। तो गाइज जो है ना अगर आप मेरे जो है ना ब्लॉग को देखते हैं और आप लाइक नहीं कर रहे तो प्लीज़ दबा दीजिए लाइक बटन को और हम मुझको एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। आप जैसे फ्रेंड की ही ज़रूरत है मुझे और मेरे जो है ना आप जैसे फ्रेंड को ही बनाने के लिए मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि हम मुझे क्या जो है ना हर जो है ना जो यूट्यूबर होता है या जो बिगनर होता है वो फ्रेंड ही बनाता है चैनल में, अपनी एक फैमिली बनाती है जो आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं उस फैमिली में। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा के एक बड़ी सी लाइक दे दीजिए, और अगर आपको कोई जो है ना मुझे सजेशन देनी है तो आप मेरे कमेंट्स में बॉक्स में आकर के सजेशन दे सकते हैं कि मुझे किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉग में आपको किस टाइप का मतलब ब्लॉग चाहिए, अगर जो है ना आपको हाउस की जो है ना क्लीनिंग का चाहिए या जो है ना आपको ड्रेसिंग टेबल की सजावट मतलब कैसे मैं व्यवस्थित करती हूँ या कुछ भी जो है ना आपको ब्लॉग में चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और गाइस जो है ना कमेंट्स जो है ना करिए और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो भी ब्लॉग हो जो भी वीडियो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें खुशी मिलती है और हर दोस्त का हर मतलब का हक भी होता है और अधिकार भी होता है खुशी। गाइस यहाँ मैं अपने कमल को तहा रही हूँ और फिर मैं रजाई को भी अच्छी तरीके से तहा करके कॉर्नर में रख दूँगी, क्योंकि दिन में ओढ़ना नहीं होता है इसलिए कॉर्नर में रख देते हैं। अच्छी तरीके से तहा करके मैं बिस्तर को अच्छी तरीके से सेट कर देती हूँ और कम्बल को भी उसके अपनी जगह पर लगा देती हूँ और जाकर के मैं बिस्तर को ठीक करके उसको झाड़ देती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि हम दोनों बड़े हैं तो इतनी जल्दी बिस्तर गंदा होता नहीं है इसलिए झाड़ देती हूँ अच्छी तरीके से। फ्रेंड आप देख सकते हो कि आज के मौसम कैसा है, बहुत हवा चल रही है और तेज़ से कि सारे पर्दे उड़े जा रहे हैं और जो है ना आज के मौसम में कपड़े फैलाने में बिना क्लिप लगाए तो फैला नहीं सकते ना, सारे कपड़े उड़ जाएंगे और मैं कपड़े को फैला रही हूँ और मुझे बाद में क्लिप भी लगाया था मैंने। गुड इवनिंग, अब आप यही सोच रहे हो गए कि अभी तो मॉर्निंग हुआ था अब इवनिंग हो गई, तो गाइस क्या करें, जब मैंने आपको बताया था कि जो है ना आज मुझे शॉप जाना है और मैं शॉप चली गई थी वही अपना पुराना काम कि मॉर्निंग का काम निपटा करके मुझे शॉप जाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे शॉप आज जाना है, तो गाइस मैं आप शॉप गई थी और वहां से लौट के मैं आई हूँ 8 बजे। हाँ गाइस अभी बज रहा है 8:20 और मैं अब जो है ना अपनी चाय बना के लाई हूँ, 2 अंडे की ऑमलेट बना के लाई हूँ और अब जा कर के मैं बैठी हूँ अपने घर में। तो गाइज जो है ना आप मैं मॉर्निंग से आपको इवनिंग में मिल रही हूँ और इवनिंग हो चुकी है और अभी मुझे डिनर भी बनाना है, क्योंकि और डिनर बनाने से पहले डिनर बनाने की प्रिपरेशन भी करना है, क्योंकि अभी तक मेरा घर में डिनर की कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मैं अभी चाय पीऊँगी उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। और आप ये सोच रहे होंगे कि पीछे मेरा बेड फैला हुआ है ना, यही सोच रहे हो ना, तो हाँ गाइस फैला हुआ है क्योंकि जो है ना मैं अभी शॉप गई थी तो स्टॉल ओढ़ के गई थी तो पीछे स्टॉल रखा हुआ है, इधर मेरा जो है ना नाश्ता रखा हुआ है शाम का और उस साइड मैं एक सूट सिलने के लिए डाली थी तो वो सूट लेकर आई थी तो वो भी मैंने बेड पे रखा है। मैंने सोचा कि आप फ्रेंड को भी दिखाना ज़रूरी है ना कि मैंने किस टाइप का सूट सिलवाया, तो गाइस कोई खास नहीं है, सिंपल सा सूट है, मैं सिंपल ही सूट पहनती हूँ, जैसे देख रहे हो कि गोल गला ही पहनती हूँ, तो बस सिंपल सा सूट मैं सिलवाती हूँ और कहते हैं ना कि हर फैशन का चीज़ चला जाता है, बस सिंपल चीज़ का फैशन नहीं जाता है और इसीलिए मैं सिंपल सूट सिलवाती हूँ, क्योंकि सिंपल सूट तो हमेशा फैशन में रहता है, अगर गले में डिज़ाइन थोड़ा सा भी डलवा लो तो वो 2-3 महीने के बाद तो वो डिज़ाइन चला जाता है, फिर वो आउट फैशन लगता है, तो मैं सिंपल गले बनवाती हूँ वो इन फैशन में ही रहता हमेशा सदाबहार, तो मैं इसी तरीके से ही सूट सिलवाती हूँ। तो गाइस जो है ना अभी मैं एक सूट लेकर आई हूँ
एक लिपस्टिक लेकर आई हूँ नेचुरल कलर की, क्योंकि मेरे पास नेचुरल कलर की लिपस्टिक ख़त्म हो गई थी। और घर में रहो तो डार्क लिपस्टिक लगाना अच्छा नहीं लगता है, तो हल्की सी नेचुरल लिपस्टिक लगाओ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना नेचुरल लिपस्टिक लेकर आई हूँ। और गाइस जो है ना, आपको बैकग्राउंड में शोर दिख रहा होगा, वो शोर मेरे नीचे साइड में हो रहा है, मतलब कि नीचे मेरे जो मकान मालिक हैं उनके घर में कोई गेस्ट आया है तो वहाँ का शोर है। तो मैं तो जो है ना घर में अकेली ही हूँ, पर उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं तो वो शोर शराबा, वहाँ से शोर शराबा आता भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके दो बच्चे हैं तो बच्चे लड़ते हैं, रोते हैं, चिल्लाती हैं, मतलब कि उनको डांटती हैं, तो इस सब का शोर आता रहता। तो गाइस इग्नोर कर दीजिएगा मेरे वीडियो में उनके शोर को, क्योंकि जिनके घर में मैं रह रही हूँ उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकती कि यार मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, शोर मन बचाओ बहुत आता है, ये चीज़ तो मैं उनसे कह नहीं सकती। तो गाइस फिर हमें और आपको दोनों को इग्नोर करना पड़ेगा, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा ये सबको। ये है सूट, इस टाइप का मैंने सूट बनवाया है, मतलब कि इस टाइप का उसका डिज़ाइन बना हुआ था। तो मैंने कहा कि जैसे मतलब उसमें बना हुआ है फ़ोटो में तो वैसे ही बनाना, तो ये इस टाइप का इसका सूट का ये जो डिज़ाइन बना हुआ था, मतलब ये कपड़े में ही बना हुआ है, तो इस टाइप का इसको बीच में ही रखना, ये बना था तो उसको कुछ कर नहीं सकती थी। और आस्तीन मैंने पफदार करवाया है, क्योंकि मुझे जो है ना ये चुनरी सूट है तो पफदार ही अच्छा लगता है, ये ऐसे है तो ये चुनरी सूट है तो ये पफदार ही अच्छा लगता है, तो मैंने जो है ना मुझे चुनरी सूट अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि कलर भी बहुत इसका सुंदर है और ये चुनरी सूट है तो इस पर पफ करवा कर पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये एक इस टाइप का सूट बनवाई हूँ। और इसकी जो जो सलवार कपड़ा था मतलब, तो वो मैंने सलवार ही सिलवाया है इस टाइप का, और ये इस कलर का है फ्रोजी कलर का, तो मैंने इसका सलवार ही सिलवाया है। तो गाइज जो है ना घर में रहो तो घर में लेगिंग तो सब बहुत अच्छी लगती है, कि लेगी है, जींस है, जॉगिंग है, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, पर घर में कंफर्टेबल जो है ना सूट ही होता है, और ये मैं घर में ही पहनूंगी तो इसलिए मैंने जो है इसको सिंपल ही बनवाया। सिंपल जो है ना, अब तो गर्मी चल रही है और ये कॉटन का ही सूट है तो बहुत ही अच्छा रहेगा गर्मी के लिए। और इसका दुपट्टा इस तरह है, तब कि पूरा क्या खोल के दिखाना है, इस टाइप का है दुपट्टा, येलो स्काई ब्लू और ये मैरून टाइप का। तो गाइस ये इसका दुपट्टा था। और जो है ना ये सूट मैंने, कि ये कॉटन का सूट है गर्मी के लिए मैंने सिलवाया, और ये सूट मुझे मेरी भाभी ने दिया था, मतलब कि भाभी ने दिया था 2017 के रक्षाबंधन में, तब से ये रखा हुआ था, अभी तक सिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जो है ना मेरे पास सूट बहुत सारे थे तो मैंने कहा कि अभी सिलवा के क्या करना, और इसलिए मैंने तक सिलवाया नहीं था। तो अब की बार मैंने सोचा कि लो अब सिलवा लेते हैं, मेरे को रखे रखे भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उसको सिलवाया है सिंपल तरीके से। और ये मेरी भाभी ने जो है ना 2017 के रक्षाबंधन में मुझे दिया था, और 2018 का भी सूट रखा हुआ है जो मेरी भाभी ने मुझे दिया था रक्षाबंधन में, वो भी अभी रखा हुआ, उसको भी अभी मैं डालने जाना है सूट। तो ये मेरी भाभी जो है ना जब भी मुझे रक्षाबंधन में देती है, मतलब वो रक्षाबंधन में मुझे सूट देती है और भाई दूज में कुछ और देती है, मतलब पैसा देती है या कोई भी चीज़ दे देती है, और रक्षाबंधन में मुझे सूट देती हैं, और भाई मुझे जो है ना या तो साड़ी देते हैं या तो कुछ भी मतलब पैसे वैसे दे देते हैं। तो जो है ना ये भाभी ने दिया था गिफ्ट में, जब मैंने उनको राखी बांधी थी, कि मेरे घर में जो है ना राखी भाई और भाभी और भतीजे सबको बांधी जाती है, तो मैंने जब उनको बांधा था तो उन्होंने मुझे ये दिया था। और अभी जो है ना 2018 के जो रक्षाबंधन था उसका भी सूट रखा, उसको भी सिलवाऊंगी, तो उसको भी मैं दिखाऊंगी। अब जब डेली ब्लॉग डाल ली तो मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने डिनर में क्या बनाती हूँ। यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ, बिजली बचाओ, क्योंकि बिजली ज़्यादा खर्च करूँगी तो बिल भी ज़्यादा देना ही पड़ेगा, और बिजली बचाना, इसलिए मैं जहाँ से भी जाती हूँ वहाँ की लाइट खोलती हूँ, और जहाँ नहीं यूज़ होना होता वहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ की लाइट खोल दी है, तो गाइस मैं जा रही हूँ अब तैयारी करने, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ उसके बाद बताती हूँ कि मैं बथुए की से जो है ना दाल कैसे बना। गाइस मैंने कुकर चढ़ा दिया, कुकर में ऑयल डाल दिया है, देख सकते हो ऑयल इसमें पड़ गया, मतलब ये देखिए। और मैं अब इसमें डालूंगी लहसुन, ये लहसुन 3-4 के कलियों के करीब में है, तो ये लहसुन डाल दूंगी।
और इसमें थोड़ा सा हींग डाल दूंगी। हींग इसलिए डालते हैं क्योंकि उड़द की दाल में मैं बना रही हूँ तो उड़द थोड़ी बादी होती है, तो इसलिए हींग डालना ज़रूरी होता है। और हींग मैं मोस्टली हर दाल में डालती हूँ क्योंकि खाने में आसानी होता है और पच भी अच्छी तरीके से जाता है। गोल्डन कलर का हो गया तो अब मैं इसमें मिर्च डालूँगी। मिर्च मैंने 3 के करीब में डाला है क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डार्क कड़वा खाती हूँ, जैसा आप लोग खाए वैसे आप लोग डालें, और मैं थोड़ा सा कड़वा खाती हूँ तो इसलिए मैं जो है ना 3 मिर्च डाली हूँ। अब मिर्च छटक गया है तो मैं इसमें बथुआ डाल दूँगी। ये बथुआ है, ये देख सकते हो बथुआ है, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। बथुआ डाल दिया, बथुआ को अच्छी तरीके से चला देंगे और इसको तब तक पकने देंगे जब तक ये अपना मतलब कि पानी छोड़ ना दें। और पानी छोड़ने के लिए मैं इसमें नमक डालूँगी, तो नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा, जैसे आप टेस्ट खाते हो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। मैं जितना खाती हूँ मैं उसके हिसाब से नमक डाल रही हूँ। तो नमक डालने के बाद बथुआ बहुत अच्छी तरीके से पानी छोड़ देगा, तो ये जो पानी जब पूरी तरीके से जल जाएगा, मतलब कि बथुआ ना जलने पाए, पानी पूरी तरीके से जल जाएगा, तब मैं इसमें दाल मिलाऊँगी। दाल का बथुआ जो है ना सूख रहा है, मैं साग के साथ जो है ना चटनी बनाने जा रही हूँ, टमाटर की चटनी जो हरी धनिया और मिर्च के साथ बनेगी, तो उसमें मैं क्या डालूँगी कि ये मैं 2 टमाटर काट ली हूँ, 2 टमाटर, लहसुन 3-4 कलियाँ लहसुन है, ये थोड़े से अदरक हैं, अदरक है आप देख सकते हो, ये अदरक, ये 4-5 जो है ना हरी मिर्च और धनिया, इसको मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल के पीस लूँ। देख सकते हो कि टमाटर की चटनी बन गई है, तो मैं इसी क्वांटिटी में टमाटर की चटनी रखती हूँ। और अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो इसमें नींबू मिला सकते हैं, पर इस समय मेरे पास नींबू नहीं है तो इसलिए मैं इसमें नींबू नहीं मिलाऊंगी, तो ये ऐसे ही मैं अब खाने के साथ लूँगी। तो गाइस मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया है, और अब मैं इसमें जो है ना दाल मिलाऊँगी। अब ये बथुआ पक गया अच्छी तरीके से, अब इसमें मैं दाल मिलाऊँगी। और गाइस इसमें अब मैं पानी मिलाऊंगी, इसमें मैं पानी मिलाऊंगी क्योंकि इसमें इतने थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाऊंगी क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी देर तक पकाना है, मतलब 3-4 सीटी के करीब में, मतलब ढक्कन लगा दूंगी और ढक्कन लगा करके 2-3 सीटी के करीब में लूँगी 3 आँच में, और 1 सीटी में धीमी आँच में लूँगी। तो मैं आज आपको मिलाती हूँ, मैं अपने छोटे से बाबू को मिलाती हूँ, ये मेरी दीदी का बेटा है शुभ, हाय बोलो शुभ, हाय। तो ये मेरे दीदी का लड़का है शुभ और उनका बड़ा लड़का है हर्ष, ये हर्ष है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में पढ़ता है, तो मैं इनकी मौसी हूँ लगती हूँ, और ये लोग दोनों लोग जब मौसा जी इनके आ जाते हैं तो ये दोनों लोग ऊपर आ जाते हैं, और ये अपनी टॉफ़ी लेने आता है अपने मौसा जी से, इसकी जो है ना रिश्वत है मौसा जी से टॉफ़ी लेना, तो ये दोनों बच्चे मेरे घर में खेलते हैं। गाइस आप देख सकते हो मेरी दाल पक गई है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए बलकाऊंगी। बलकाने से क्या होता है कि जो बथुआ होता है वो दाल में मिक्स हो जाता है, ये दाल है, तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बलकाऊंगी। ऑलमोस्ट ये पक चुकी है, बट थोड़ी देर के लिए इसको बलकाऊंगी, और उधर मत ध्यान दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड फ्रूट चाट बना रहे हैं, उनको भूख लगी है और मैं डिनर बना रही थी तो वो जो है ना फ्रूट चाट बनाने लगे हैं, तो इसीलिए वो सब खाए गए हैं। तो जब मैं रोटी बनाऊँगी तब जा कर के उसको बटोरूँगी। सिहाय उनका जो है ना फ्रूट चाट का प्रोग्राम चल रहा है, तो फ्रूट चाट बनाने के बाद ही इसको मैं बटोरूंगी। फिलहाल तो
तो अभी जैसे तैसे पड़ा हुआ है, बना लें तभी बटोरा जाए, नहीं तो फिर बटोरेंगे फिर फैलेगा, तो इससे अच्छा है कि एक बार बन जाए तभी बटोर भी खा लोगे तो फिर पेट भर जाएगा तो डिनर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है ना ये सब फ्रूट चाट की तैयारी हो रही है। नीचे जो है ना जो दोनों बच्चे हैं वो भी जो है ना खाएंगे तो बना रहे हैं इतना सारा, क्योंकि इतना सारा हम दोनों तो नहीं खाएंगे, अब बहुत लोग हैं घर में तो सब खाएंगे। तो गाइस मैं दाल को बलका रही हूँ, उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। तो उनका फ्रूट चाट बन गया है। मेरे हस्बैंड जो है ना जब भी उनको कुछ भी अच्छा खाने का मन होता है तो वो खुद ही बना लेते हैं, मतलब कि उनको अच्छा खाना बनाना आता है, एक अच्छे कुक हैं, तो कहना नहीं पड़ता, अगर कुछ भी अच्छा बनाना होता है तो वो खुद ही बना के खा लेते हैं और उनको भी खिला देते हैं। तो इस समय फ्रूट चाट बन गया है और वो नीचे दीदी को देने जा रहे हैं फ्रूट चाट। और ये देखिए फ्रूट चाट बहुत टेस्टी बना है ना। तो ये बन गया है फ्रूट चाट, तो हम जा रहे हैं नीचे देने के लिए, क्योंकि छोटे दो बच्चे हैं और वो भी लोग भी खाएंगे, उन्होंने भी कहा है खाने के लिए, तो जो है ना इसलिए इतना ज़्यादा बना है कि उन लोग को भी दे दिया जाएगा और हम दोनों लोग खा लेंगे आराम से। ये खाना बनने में भी टाइम है इसलिए जो है ना ये आ गए थे, मतलब कि आज मैंने बताया था कि मैं जो है ना 8:45 बजे खाना मैंने चढ़ाया है, तो ये आ भी गए थे 9:15 बजे करीब में, तो खाना तब तक बन नहीं पाया था, तो इसकी वजह से जो है ना इन्होंने फ्रूट चाट बना लिया है। मैंने चावल चढ़ा दिया है, उसके बाद मैं अभी दाल को छौंकूंगी, क्योंकि दाल छौंकना बाकी रह गया है, तो दाल को मैं अभी छौंकूंगी लहसुन मिर्च और हींग से, क्योंकि ये पालक की दाल, ये बथुए की दाल, और बथुए की दाल में जो है ना एक्स्ट्रा कोई छौंका पड़ता नहीं है मेरे घर में, तो सिर्फ इसमें जो है ना लहसुन मिर्चा और हींग से छौंका जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। इस टाइप से बनाइए, बहुत अच्छा दाल बनता है, अब खा के देखिए यूपी स्टाइल का है बथुए की दाल, तो बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो गाइस जो है ना अब मैं जा रही हूँ फ्रूट चाट खाने, बन गया है फ्रूट चाट खाते हैं, उसके बाद मैं जो है ना दाल को छौंकूंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। पराठा देखो वहीं पर रखा है, तसले नीचे नहीं रखा है, मैंने उठा करके धो करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं फ्रूट चाट खाने के लिए, और फिर से मिलते हैं जब हम दाल छौंकेंगे, और दाल भी छौंकेंगे उसके बाद पहले सीटी आ जाए चावल में, इस पर दाल छौंकते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनाएंगे। और कुछ बनाना नहीं है विशेष, क्योंकि अभी फ्रूट चाट खा रहे हैं तो पेट भी भर जाएगा, तो एक दो रोटी हम दोनों ही खाएंगे, क्योंकि ये चावल खा लेंगे और मैं ही रोटी खाऊंगी, तो दो रोटी अपने लिए बनाऊंगी और एक रोटी अगर इनको खाना होगा एक दो रोटी तो ये खाएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या प्रॉपर हमारा आज का डिनर बथुए की दाल, रोटी, चावल, चटनी और ये दही, सैलड और ये मेरी प्लेट है। गाइस हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं क्योंकि पूरे दिन हम दोनों बिजी रहते हैं तो साथ में खाना नहीं खा पाते, और रात में डिनर एक साथ ही हम दोनों करते हैं। और गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।